राजस्थान सरकार में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने आज मीडिया के सामने विवादित लाल डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाए, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव भवानी समोता समेत कुछ अन्य के बीच लेनदेन का जिक्र है। राजेंद्र गुड्डा ने मीडिया के सामने आकर बताया कि गहलोत सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है, जिसमें राजस्थान क्रिकेट संघ और वैभव गहलोत के बीच लेनदेन की बातें कोडवर्ड में हैं। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं उनको मैं जारी करूंगा। तो राठौड़ साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समझौता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी समझौता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा, मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये हैंडराइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। ये आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है, और इसके अंदर ये जो मैंने पढ़ा वही है। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई, भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 31 जनवरी तक फाइनल बता दूं। सौभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है, ये दो अशोक गहलोत सरकार से मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद 24 जुलाई को राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में पहुंचकर लाल डायरी लोगों के सामने लेकर आ गए थे, जिससे स्पीकर सीपी जोशी नाराज हो गए थे और उन्होंने मार्शल को आदेश देकर राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से बाहर करवा दिया था। वहीं सदन में लाल डायरी के जिक्र के बाद से ही भाजपा राज्य के गहलोत सरकार पर हमलावर बनी हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार में मंत्री रहे गुड्डा जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, जिसमें राज्य में हुए भ्रष्टाचार और गहलोत सरकार के सारे काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा नेता
ज्ञानदेव आहूजा ने आज राजेंद्र गुड़ा के लाल डायरी पढ़े जाने के बाद उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी में 5,000 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा किया है। अगर वो चाहते हैं मैं उनका समर्थन करूं तो इसके लिए मैं तैयार हूं। राजस्थान प्रभारी श्रीमान रंधावा साहब, उम्र से वैसे वो मेरे छोटे हैं लगते सफेद बाल हैं, पंजाब में उनको कोई नहीं पूछता, यहां आकर के जो मर्जी बोलने का उनकी आदत हो गई, अब सांसदों पे आरोप लगा दिया। और लाल डायरी को जो आप पत्रकारों को उत्सुकता है, राजेंद्र जी गुड़ा लगातार अटैक करते रहे सचिन पायलट की तरह, और राजेंद्र गुड़ा को अचानक बर्खास्त किया, इसके बारे में कांग्रेस में हलचल है। विधायक बहुमत विधायक और बहुमत मंत्री इसको गलत मान रहे हैं। अब शांति धारीवाल जो अशांति धारीवाल हैं उन्होंने उनकी डायरी छीन ली, और यहाँ के रफीक अहमद साहब, अरे एक एमएलए दूसरे एमएलए को दूसरे मंत्री को अटैक करे, लाल डायरी में क्रिकेट का सबसे बड़ा घोटाला और उससे बड़े घोटाले एमएलए को खरीद फरोख्त हुए, इन्होंने झूठे आरोप लगाया। गहलोत साहब ने आरोप लगाया, श्रीमान गहलोत साहब माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खरीदना चाहते हैं। वास्तव में एक नकट्टा किसी गांव में गया, वो अपने नकट्टे नाक पे हाथ रख लिया, नाक कट गया था, और कहने लगा तुम्हारी नाक कट गई। तो असल में नाक तो कटी है इनकी, पैसे दिए इन्होंने, वह विधायकों को खरीदा इन्होंने, क्रिकेट एसोसिएशन में गबन किया इन्होंने, और पीएचडी का जो लगभग 30,000 करोड़ आया अलग अलग टाइम में, उसमें टेंडर में गड़बड़ी की इन्होंने गवर्नमेंट। अब लाल डायरी का जो मैटर है, आज राजेंद्र गुड़ा जी ने सारा खुलासा किया है, 5,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन लाल डायरी में है। वो एक एक चीज नोट करता रहा, मैं भी रोज डायरी लिखता हूं, लेकिन मैं अपनी डायरी का खुलासा नहीं करता। डायरी जो नेता या कार्यकर्ता या पत्रकार लिखता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, प्रतिदिन की गतिविधियां आ जाती है। तो राजेंद्र गुड़ा को मैं धन्यवाद दूंगा, और अगर मेरा साथ लेगा तो मैं साथ भी दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।